देखते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो को जरूर देखा करें, उसके बाद अगला वीडियो को आप देखने का प्रयास करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, पूरा वीडियो को भी जरूर देखें, प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए, तो कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? कि हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी, इसकी मरम्मत पर 3,000 खर्च किए, यदि वे कार को 58,000 रुपया में बेचे उसे लाभ कितना हुआ? देखिए, कहता है हीरो था, वो कोई वस्तु को खरीदा, तो खरीदा कितना में? तो वो खरीदा, वो 47,000 में खरीदा। कितना में खरीदा? 47,000 में खरीदा। अब कहता इसकी मरम्मत पे खर्च किया, जब मरम्मत पे ये खर्च किया तो वो खर्च दे रखा है 3,000। आप बताइए, कोई वस्तु यदि आप खरीदे थे 47,000 में और उस पर खर्चा किए 3,000, इसका मतलब आपको जो उस पर खर्चा पड़ गया वो आपको पड़ गया कितना? 50,000। क्योंकि 47,000 में खरीदे थे, 3,000 और लगा, मतलब कितना? 50,000 पड़ा। अब उस वस्तु को क्या करता है? ये बेचता है। जब बेचता है तो वो बेचता है कितना में? 58,000 में बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है वो कार को बेच दिया 58,000 में। अब आप ही बताइए, कोई वस्तु को खरीदा गया था 47,000, 3,000 खर्चा तो पड़ा कितना? 50 के बाद जब उसको बेचा 58,000 में, तो यहाँ से इसको 8,000 का बेनिफिट हो गया, 8,000 का फायदा हो गया। और वही फायदा प्रतिशत पूछा है, यानी लाभ प्रतिशत पूछा है। तो आप पिछला वीडियो को देखे हैं तो याद कीजिए, लाभ का प्रतिशत बताए थे, वो बताए थे आपको लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल। तो क्रयमूल देखिए, ये नहीं होगा, क्रयमूल कौन होगा? ये यूज होगा, यानी कितना? 50,000 जो है ये क्रयमूल के रूप में यूज होगा। आप इनको काटिए, 00 यहाँ से कैंसिल, 00 यहाँ से कैंसिल, 5 से काटिए, कितना होता है? 16.85 नहीं, तो आपका आंसर कितना हो गया? 16% का इसको फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 16% का। फिर से क्वेश्चन सुनिए, किसी वस्तु को खरीदे थे 47,000 में, खर्चा किए 3,000, कुल सीपी हो गया इसको 50,000, बेच दिए इसको 58,000, फायदा हुआ 8,000, फायदा परसेंट, यानी 8,000 गुना 100 क्रयमूल्य, क्रयमूल्य के रूप में यूज होगा 50,000, आपका आंसर हो गया 16% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि कौशिक ने 180 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और 202.50 में बेच देता है। कहता कौशिक, अगला क्वेश्चन है कि कौशिक एक खिलौना को 180 रुपया में खरीदता है, 180 में खरीदने के बाद कहता इसको बेच दिया, वो बेच दिया 202.50। 180 रुपया में खरीदा, 202.50 में बेच दिया, तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि 180 रुपया में खरीदा था, 202.50 में बेच दिया, यानी लाभ कितना हुआ? 180 कितना अधिक लिया? तो आप देखेंगे 22.5 अधिक लेके ये बेच दिया। 180 में खरीदा था, 102.50 में बेच दिया, इसका मतलब इसको फायदा हो गया, इसको फायदा हो गया कितना? 22.5 का फायदा हो गया, 22.5 का लाभ हो गया। और लाभ का प्रतिशत, यानी लाभ गुना 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल के रूप में यूज होगा 180, ये दशमलव हटेगा नीचे आएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अगर आपको इसको किया दशमलव में आंसर दिया हुआ, काट दीजिए, काटिए, काटेंगे। चलिए 3 से 5, 3 8 2 10, 3 से कटेगा नहीं, राइट काटिए, काटिए तो 18 से 22 है, 18 यहाँ बजे कितना? 4 4 45, 18 2 36, 18 3 हो जाता है 54, इसलिए 18 2 कितना होगा? 36। अब 45 है, 36 था, तो 45 36 कितना हो गया? 9 बच गया, 9 पर 0 90, और 18 5 90 कितना हुआ? 12.5%। तो 12.5% क्या हुआ इसको? लाभ हुआ। कोई वस्तु को खरीदा था 180 रुपये में, बेचा 102.50 में, इसको लाभ हुआ 12.5% का, लाभ का प्रतिशत, लाभ गुना 100 क्रयमूल्य। चल
बिना टाइम गवाए आप फास्ट भी देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी कर्मचारियों के लिए बेबी केक बनाती है, कर्मचारियों के लिए बेबी केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, क्या करता है? कार्यक्रमों के लिए बेबी केक बनाती है, कोई मतलब नहीं, केक बनाती है, केक बनाने वाली काम करती है, और जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने क्या किया, एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। कहता एक केक बनाया और बना के वो बेच दिया, कितना बेच दिया, तो केक बनाया और 700 रुपये में इसको बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपया थी। कहता है जब वो केक बनाया तो उसको जो लगा था उस केक पे बनाने में सामग्री का जो पैसा लगा था, सामग्री में जो पैसा खर्चा हुआ था, वो उसको खर्चा वो हो गया क्रय मूल्य, वो 350 रुपया खर्चा किया गया था। अब सोचिए वहां पे 350 रुपया खर्चा किया गया था, अब बेचा 700 में, तो क्वेश्चन कहता है इससे अर्जित लाभ लाभ कितना प्राप्त किया। तो सोचिए 700 रुपये में बेचे, 350 में खरीदा था, इसका मतलब कितना, 350 रुपया का लाभ हुआ। 350 में जो सामान बनाने में खर्चा हुआ था 350, उससे मिला कितना, 700, इसका मतलब 350 रुपया यहाँ से मेहनत में यानी लाभ अर्जन कर लिया। फिर आपसे यहाँ पूछा है लाभ का प्रतिशत, फिर आप जानते हैं लाभ परसेंट, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 350, ये काटिए, इसको प्रॉफिट हो गया कितना, 100% का फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, 100% का फायदा हुआ, 100% का मतलब 350 खर्चे, दुगुना जितना खर्चा हुआ उससे दुगुना में बेच दिया, मतलब 100% का फायदा हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला है, यदि रीना 12 मोबाइल फोन 188.160 में बेचती है जिनका क्रय मूल्य 14.056 प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। अब देखिए 12 मोबाइल फोन है, वो बेचता है कितना में, तो वो बेचा है 188.160 में, लेकिन वो फोन की संख्या कितना है, 12 को फोन है, और वो खरीदता है कैसे, तो वो खरीदा है जो सीपी, वो खरीदा है 14.056 में, लेकिन ये एक फोन का कीमत है इतना। अगर कुल सीपी आपको चाहिए तो इसमें 12 से गुना करना पड़ेगा, तब आपको कुल सीपी पता चल जाएगा, क्योंकि आप 12 को फोन बेचे हैं इतना में, तो 12 फोन खरीदे कितना में, तो एक फोन खरीदे इतना में, तो 12 फोन कितना में, तो 12 से गुना कर देंगे तो 12 फोन की कीमत आ जाएगा। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होता है, 12 6 72 7 12 5 60 67 67 12 4 48 4 12 4 16 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। अब आप देखिए कि आप खरीदे थे 168 रुपया 6.72 में, और जब बेचने की बारी है तो आप बेचे कितना में, 188 कितना 160 में, तो यहां से आपको लग रहा है ना इससे ये अधिक है, जब इससे ये अधिक है, क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य, इसका मतलब है कि फायदा हुआ है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब फायदा हुआ है, तो यहाँ से लाभ हुआ है, तो लाभ के लिए होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आप वही काम कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना का ये यहाँ पे आपको लाभ हुआ है। तो घटाइए, कैसे घटाइएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी इसमें से इसको घटाइए। अब देखिए घटाने के लिए देखिए जीरो जीरो में से दो तो घटेगा नहीं, ये इससे रेस्ट लेगा, एक उधर जाएगा तो ये 10 में से दो गया तो ये 8, फिर यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, इधर से एक जाएगा तो ये क्या बचा, 5 के बदले 15 हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो 7 8 8 7 15। अब यहाँ पे है क्या, जीरो जीरो में से 7 6 तो घटेगा नहीं, तो इससे लेगा रेस्ट, और यहाँ पे जीरो था तो वो बन जाएगा 10, और 10 में से 6 गया तो कितना हो गया यहाँ पे 4, दशमलव था, दशमलव लगा दिए, यहाँ पे बच गया था एक, चला गया तो 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो फिर इससे एक बचा लेगा, ये बच जाएगा 17 में से 8 गया तो कितना 9 8 होता है 17। अब फिर से पुनः देखेंगे तो यहाँ क्या, एक उधर चला गया था बचा था 7 में से 6 गया कितना बचा 1, और फिर यहाँ 1 से बन गया क्या 0 कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए लाभ कितना हुआ, 19.488 का इसको क्या हुआ, इसको फायदा हो गया है, कितना हुआ 19.488 का इसको क्या हो गया, फायदा हो गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे।
तो बेचे थे इतना में, खरीदे थे इतना में, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहां से आपको लाभ पता चल जाएगा। ठीक है ना, किसी वस्तु एक फोन एक वस्तु की कीमत दिया हुआ और जितना वस्तु वस्तु की संख्या से गुणा कर दीजिए, कुल कितना खर्च पड़ा था पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि एक वस्तु का मूल 1453 रुपया है, एक वस्तु का मूल 1458 रुपया है, इसका क्रय मूल 1350 रुपये है, लाभ प्रतिशत कितना है, 1350 रुपये इसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल कहता है, सॉरी एक वस्तु का मूल 1458 रुपया है, इसका क्रय मूल 1350 रुपया है, मतलब यहाँ पे ये कि एक वस्तु का कहने का ये है कि 1400 एक वस्तु का मूल 1458 रुपया है, यानी इसका कहने का ये है ये बेचा है 1458 रुपये, लेकिन इस वस्तु का जो क्रय मूल की बात करेंगे तो वो कहता है क्रय मूल इसका 1350 रुपया है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक वस्तु का मूल मतलब यहाँ पर विक्रय मूल होना था, एक वस्तु को बेचा गया 1458 रुपया में और इस वस्तु का क्रय मूल है 1350 रुपया, यहाँ से लाभ प्रतिशत इसका कितना है। आप फिर से वही काम कर दीजिए, घटा दीजिए, लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ निकालने करेंगे आप ये SP माइनस CP यूज करेंगे, कर दीजिए आप घटाइए इसको, आप यहाँ से घटाइए घटाइए, आपको देखिए मिल जाएगा 8 में से 0 गया तो 8, यहाँ से 5 में से 5 गया तो यहाँ बच गया 0, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 108 रुपया का। और आपसे फिर से पूछेगा प्रॉफिट परसेंट, आप कहेंगे प्रॉफिट गुना 100 बटे प्रॉफिट गुना 100 बटे CP, CP का मतलब 1350। आप फिर से काटिए इसको, 0 से यहाँ 0 काट दीजिए, हाँ अब काटिए, 3 से कटेगा, 3 से काटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से काटेगा, 3 तिया 9, 3 छके 18, फिर से देखिएगा 9 से काटेगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 से कटेगा, 5 9 2 4 2 9 कितना हुआ 8% का, कितना हुआ ये 8% का, यहाँ से इसको फायदा का पता चला। कोई वस्तु को यदि बेचा है 1458 रुपया में, खरीदा था 1350 रुपया में, इसका मतलब उसको लाभ हुआ 108 रुपया का, लाभ परसेंट अगर पूछा है आप यूज करेंगे लाभ गुना 100 बटे कर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे वाला क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 2568 रुपया में एक कुकर बेचता है, यदि उसने 24 रुपया में खरीदा था तो लाभ प्रतिशत कितना है। कहता एक व्यक्ति ने 2658 में कुकर बेचता है, कहता बेचता है कितना, वो बेचता है 2568 में, सर कितना सर पीछे कुछ गलत बोल दिया सर, एक बेचता है कितना में, तो 2568 रुपया में बेचता है, यदि कहता उसने खरीदा होता इसे कितना में, यदि उसे खरीदा होता 24 में। अब सोचिए कोई वस्तु को यदि बेचता है 2568 में, खरीदा था कितना 2400 में, इसका लाभ हो गया यहाँ से कितना, यदि आप लाभ चेक करेंगे तो लाभ देखिए 2400 और 2568 अगर घटाइएगा तो होगा 168 रुपया, 2400 और 68 ऊपर से और लगा हुआ है ना, 168 रुपया का फायदा हुआ लाभ हुआ। और फिर आपसे यदि लाभ परसेंट पूछेगा तो कहिएगा लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल, क्रय मूल का मतलब यहाँ से 2400, 2000 यहाँ से कट जाएगा, आप काट दीजिए फिर 4 छः के 24, 4 से काट रहे हैं, 4 चुका 16, 4 दोनों 8, 6 7 42, यानी कितना हुआ 7% का, कितना हुआ 7% का, यहाँ से इसको फायदा का पता चल गया। यानी कोई वस्तु को यदि बेचता है 2568 में, खरीदता है 2400 में, तो लाभ होता है 168 के लिए, लाभ परसेंट के लिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल का यूज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में खरीदा और 2860 रुपये में बेच देता है, उसे लाभ परसेंट कितना होगा। चलिए तो ये कहता है कि खरीदता है कितना में, तो वो खरीदा है 2750 रुपये में खरीदता है और जब बेचने की बारी आता है तो वो 2860 रुपये में बेच देता है।
अब देखिए कोई वस्तु को खरीदता है 2750 में, बेचने के बाद बेच दिया गया 2860 रुपए में, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या था इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब देख लीजिए लाभ कितना होगा, 2750 में खरीदा 2860 में बेचा, हमको लगता है 2750 50 देंगे तो 2800 होगा, 60 रुपया पर में है, 50 60 कितना होता है 110, यानी फायदा की बात करेंगे तो ये 110 रुपया इसको क्या हुआ फायदा हुआ। अभी देख लीजिए 2750 और 2850 कितना ज्यादा है तो 110 रुपया अधिक है, ये 110 रुपया क्या हुआ इसको लाभ हो गया। और हम अगर लाभ परसेंट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, लाभ गुना 100 अब बटा क्या होगा क्रयमूल, भैया क्रयमूल कितना है 2750, कितना है 2750। अब आप यहाँ से काटिए 00 कैंसिल, 11 से काटिए 11 दुना 22, 11 पचे 55, 25 अब 25 से काटिए 2500 कितना होता है 100, यानी इसको देखेंगे तो आप कितना 4% का, कितना 4% का इसको बेनिफिट होता है। कोई वस्तु यदि 2750 में खरीद के 2860 में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा कितना 110 रुपया का, प्रतिशत में प्रॉफिट कितना होगा तो वो होगा 4%, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यू ने एक मेज 13500 में खरीदता है और 11000 रुपये में बेच देती है, उसकी हानि परसेंट कितना हुआ बताइए। अब देखिए यहाँ पे कहता है क्यू ने एक मेज 13500 में खरीदा, कितना में खरीदा, तो वो कहता है 13500 में खरीदा और उसे 11000 रुपये में बेच देता है, कितना बेच दिया वो, बेच दिया 11000 में बेच दिया, कहता है 11000 बेच दिया, उसे हानि का परसेंट कितना हुआ आप ये बता दीजिए। अब देखिए कोई वस्तु को खरीदे 13500 में, बेचे 11000 में, इसे आपको दिख रहा होगा हानि हो, क्योंकि जितना में खरीदते उससे कम में यदि बेचते हैं, जितना में खरीदते उससे कम में यदि बेचते हैं तो वहां से हानि होता है, ये हानि कितना हुआ आप देख सकते हैं यहाँ से हानि 13500 11000 11 2 13 5 नहीं, यानी आप इसको चेक करेंगे तो कितना 2500 रुपया का हानि हो गया, कितना का हानि हो गया 2500 का हानि हो गया ना, देख सकते हैं खरीदे थे 13500 में, बेचे कितना 11000 में, 11000 प्लस 2500 अगर जोड़ेंगे तो होगा 13000, यानी आप कर सकते हैं क्रयमूल माइनस विक्रयमूल क्या होता है हानि। अब आप अगर हानि का परसेंट हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हानि गुना 100 अब बटा क्रयमूल से यूज कीजिए, क्रयमूल के रूप में आपको दिया 13500 ना। आप इनको अगर यूज करते हैं 00 यहाँ से कैंसिल करते हैं, 5 से काटिएगा तो 5 गुना 2 10, 5 7 35 और 5 से काटेगा तो 5 25 00 500 होता है, यानी 500 बटा कितना होता है 500 बटा 27, आप इनको भागा दीजिए, अब भागा देने के बाद कितना होगा 27 एक 27 भागा देते हैं हम लोग, भागा दे बगल में ये 500 भागा देते हैं हम लोग 27 से भागा देंगे 27 7 3 10, यहाँ से 2 2 4, यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 8 8 3 24 8 8 होगा क्या, देखिए 8 7 56 8 7 56 5 8 9 16 16 5 16 16 5 21 नहीं, यानी 18 समथिंग कुछ आएगा, आप देख सकते हैं 18 दशमलव समथिंग कुछ आने वाला आंसर, आप इसमें चेक कर सकते हैं ये दिया हुआ 18.5 है, कितना 18.51% का क्या हुआ इसको फायदा हुआ है, तो आप ये यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हुआ 18.51, कितना 18.51% का इसको फायदा हुआ क्या भैया, हानि हुआ, कितना हुआ हानि हुआ, आप इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्या, तो वस्तु को यदि खरीदते हैं 13500 में बेचते हैं 11000 में, इसका मतलब 2500 का हानि होता है, और हानि परसेंट अगर निकालेंगे तो 18.51% का क्या हुआ आपको हानि प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग इस अगला पार्ट इसका पुनः आपको देखने को मिलेगा, आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर कमेंट क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी क्या कीजिए, दोस्तों सब में बताया कीजिए और सपोर्ट कीजिए मतलब शेयर कीजिए। चलिए तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।